हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ठीक ही होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि MIA के अंदर जॉब बताइए भाई, अवेलेबल है कोई कंपनी के अंदर? नहीं है तो मैं आज आपको बता देता हूँ, MIA के अंदर काफ़ी सारी कंपनियाँ हैं और रिक्वायरमेंट हर कंपनी के अंदर होती है, बट काम करने की दिलचस्पी होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। तो आप आ सकते हो MIA के अंदर, और MIA में अच्छी अच्छी कंपनियाँ हैं और अच्छी अच्छी जगह पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है, काफ़ी अच्छी जगह हैं। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं, अलवर आना होगा, अलवर राजस्थान के अंदर। यहाँ से रेलवे स्टेशन से MIA की दूरी पड़ती है 15 किलोमीटर। MIA के लिए आपको रेलवे स्टेशन पर उतरना है, मंडी मोड़ पूछना है, मंडी मोड़ से आपको वाहिनियाँ मिल जाएंगी या जो ऑटो होते हैं वो, और उससे आपको लोहिया का तिबारा आना है। लोहिया के तिबारे से सीधा आपको MIA के अंदर ऑटो मिल जाएंगे, वहाँ से भी ये डायरेक्टली आ रहा है तो कोई नहीं, और किराया मिनिमम 30 रुपये के आसपास लगेगा MIA का। रेलवे स्टेशन से MIA का किराया 30 रुपये है। यहाँ पर आपको मैं कंपनियों के एक दो के नाम बता देता हूँ। सबसे टॉप में कंपनी आपको अशोक लीलैंड जो ट्रक बनाती है, बस बनाती है और काफ़ी सारे वो भी बनाती है, टेम्पू भी होते हैं वो भी, तो ये एक कंपनी है, इसमें भी आप देख सकते हो। ये MIA के अंदर ही है, इसका प्लांट काफ़ी बड़ा है। और इसके बाद दूसरी बात की जाए तो इसके साइड में एक और कंपनी है, जस्ट इसके करीब 500 या 700 मीटर के एरिए में ही मैट्सो कंपनी है, उसके अंदर भी आपको जॉब मिल जाएगी। तो आपको अधिकांश जॉब के लिए सोमवार या बुधवार को आना होगा, इन्हीं टाइम में आपको जॉब मिलेगी। और मॉर्निंग टाइम में आना है आपको 7 बजे के आसपास, 7-8 बजे, और मैं एक दो उनके नंबर आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, उनसे आप कांटेक्ट भी कर सकते हो वैकेंसी के लिए। तो आप मैट्सो में भी आ सकते हो, मैट्सो में भी अच्छी खासी फैसिलिटीज हैं। और रहना पीना देखो, ये तो अपना अलग से होता है, कैंटीन वनटीन सब कंपनी के अंदर ही होती हैं, तो आप खाना पीना वहाँ कर सकते हो, ठीक है? तो उसका महीने का जो चार्ज होता है वो आपसे वसूल लिया जाता है, तो आप यहाँ आ सकते हो। इसमें आपको मिल जाएगी 15 से 20 हज़ार के आसपास आराम से सैलरी मिल जाएगी। इसके बाद हेवल्स की बात की जाए तो हेवल्स भी MIA के अंदर है, तो इसमें भी वायर बनते हैं हेवल्स के, और हेवल्स के काफ़ी सारे आइटम आने लगे हैं आजकल, आप देख रहे हो। वायर के अलावा इन्हों के आजकल देखते हो आप, कोई घर में आपने प्लग उलग लिए तो वो भी हेवल्स के आने लगे, और उसके बाद जो अपना ये होता है स्विच बटन होता है, ये भी हेवल्स के आ रहे हैं, और गीजर लोगे वो भी हेवल्स के आएंगे। हेवल्स के काफ़ी सारे आइटम्स आजकल अवेलेबल आपको मार्केट में मिल जाएंगे, तो इसके लिए भी आप यहाँ हेवल्स कंपनी उसके अंदर आप ये जॉब के लिए रिक्वायरमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सोमवार को आना है, और सोमवार को ये जो भी कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो बाहर बैठे हुए होते हैं, सोमवार बुधवार को लेते रहते हैं। और भी कोई वैकेंसी आएगी तो मैं आपको वैसे ही इन्फॉर्मेशन करता रहूँगा, तो आप हेवल्स में भी आ सकते हो। हेवल्स के जस्ट बाद में बात की जाए तो कोटसन कंपनी है, इसमें जो ट्रांसफार्मर होते हैं, जो ड्रिमी होती है लाइट वाली, इलेक्ट्रिक वो वाली ड्रिमियाँ बनती हैं, तो उनका काम इसमें किया जाता है, तो इसमें भी आप जॉब देख सकते हो। इसके बाद सामने इसके पड़ती है मोदी जो लॉर्ड्स क्लोरो एलिको लिमिटेड के नाम से है, तो इसमें केमिकल जोन है, तो केमिकल बनता है, इसमें भी आप अपनी देख सकते हो। इसमें भी आपको एनी टाइम कभी भी आ सकते हो, सामने ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर बैठे हुए होते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके वो आपको पूरी प्रोसेसिंग बता देंगे। आधार कार्ड पैन कार्ड लेके आना है आपको और फोटो, तो आपका PF का अकाउंट खुला और आपका जॉब आपको मिल जाएगी। सैलरी की बात की जाए तो 8 घंटे के लिए यहाँ पर काम है, 8 घंटे का मिनिमम 290 रुपये के आसपास मिलेगा आपको, जिसमें SIPF कट के आपको 260 से 270 रुपये के बीच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हर कंपनी के अंदर ऐसा ही सिस्टम होता है। तो उसके बाद आपको काफ़ी सारी कंपनियां हैं, देखो केमिकल जोन है यहाँ पे, केमिकल के अंदर काफ़ी मिल जाएंगी आपको। और जो SSB के जो बैरिंग आते हैं, बैरिंग्स कंपनी है वो भी यहाँ पे है। और जो तेल की बात की जाए तो मानस जो ब्रांड है तेल का, मानस ब्रांड, उसकी भी कंपनी यहाँ पे है, तो आप उसमें भी जा सकते हो, जॉब देख सकते हो।
तो मानस भी काफ़ी ब्रांड आपको MI के अंदर ही बनता है, और महेश एडिबल का नाम सुना होगा, ये कंपनी भी MI के अंदर अवेलेबल है। इसमें भी आप जॉब के लिए रिक्वायरमेंट कर सकते हो। तो काफ़ी सारी कंपनियां हैं, तो आप यहाँ पे आके एक बार ज़रूर अपने रिज्यूम सेंड करें, मैं मेल अपना प्रोवाइड कर दूंगा, मेल पर रिज्यूम सेंड करें और मैं उन कॉन्ट्रैक्टरों से और कंपनी के हिसाब से आपके जो भी होगा वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ के HR मैनेजर, इनके नंबर आपको दे दिए जाएंगे। जो भी कंपनी में आपको दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, वो कंपनी का नाम मुझे मैसेज में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और मैं आपको वहीं पर नंबर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो आपकी जो वो रिज्यूम है, वो रिज्यूम मुझे मेरे WhatsApp पे भेज देना और मैं आपकी बात कर लूँगा। कोई भी कंपनी में होगी रिक्वायरमेंट तो उसमें आपकी बात कर लूँगा और आपके नंबर वहाँ पे दे दूँगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं हमको कि आपको कौन सी कंपनी में दिलचस्पी है और कितनी सैलरी तक आपको जॉब चाहिए। इसके बाद की जाए तो अडानी कंपनी, अडानी भी यहीं पर है, जिसमें भी अडानी कंपनी है वो भी यहाँ पर है, उसमें भी आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट चलती रहती है। और लोहे की बात की जाए तो जो लोहिया होता है उनको जो ढालते हैं, जैसे लोहे को पिघलाने वाली कंपनी जिसको सिनर्जी स्टील के नाम से जानते हैं, तो ये भी MI के अंदर अवेलेबल है, तो इसमें भी आप भाग ले सकते हो। ये MI के अंदर है, इसमें आप काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट रहती है जॉब की, तो उसमें आपको जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट ज़रूर करें कि कौन सी कंपनी में आपको जॉब चाहिए। और भी काफ़ी सारी कंपनी है छोटे मोटे जॉन, यहाँ मैंने जो बड़ी बड़ी थी, सप्तऋषि मसाले की बात की जाए तो मसाला कंपनी भी है, बूरा फैक्ट्री भी है, और आपको जो ये होते हैं क्या बोलते हैं इसको, मुरब्बा फैक्ट्री भी है, और हवीज के जो आते हैं टॉसूस आते हैं वो भी यहाँ पर बनते हैं। और मिड डे मील की बात की जाए तो मिड डे मील की कंपनी जो रोटियाँ बनाती है, सब्जी बनाती है, खाना कंप्लीट देती है, जो भी हैवेल्स का एक पार्ट मिड डे मील के नाम से, वो भी MI के अंदर अवेलेबल है। तो यहाँ भी आपको ड्राइवर की तो रिक्वायरमेंट मिड डे मील के अंदर रहती है, हवीज के अंदर भी ड्राइवर्स की ज़रूरत रहती है। तो ड्राइवर भाई भी ज़रूर हमारी वीडियो पर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, उनको भी रिक्वायरमेंट है जॉब की, तो वो भी ज़रूर कमेंट्स करें। तो अभी आपको हमने पूरी तरह से सब कुछ समझा दिया है, जिस भाई को जॉब चाहिए वो हमें ज़रूर कमेंट्स करें। MIA अलवर राजस्थान के अंदर आने के लिए आपको अलवर आना होगा, दिल्ली जयपुर से ट्रेन अवेलेबल है, बस अवेलेबल है, इनके द्वारा आप MIA आ सकते हो। मैंने पूरा चीज़ आपको अच्छे से बताई है, जिस भाई को जरूरत रिक्वायरमेंट हो जॉब की तो कमेंट ज़रूर करें। कमरे की बात की जाए तो यहाँ महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो 1,000-1,500 रुपये के आपको कमरा मिलेगा, जिसमें लाइट उसी के अंदर है, पानी उसी के अंदर है। और कुछ बात की जाए तो मार्केट पास में ही है, 15 किलोमीटर की दूरी पर, छोटा मोटा मार्केट यहीं पर है, वहाँ पर आपको छोटी मोटी चीज़ खाने को सब्जियाँ रहती है, ये यहीं अवेलेबल होती हैं। तो आप MIA के अंदर एक बार ज़रूर विजिट करें, एक बार ज़रूर हमारी वीडियो देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे, जिससे किसी भाई को अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट हो तो वो अवेलेबल पूर्ति हो सके। देखो घर इस टाइम क्या है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है कि सब भाई को रोज़गार मिले, तो वो ज़रूर एक बार इस वीडियो को देखे और वीडियो को देखने के बाद ज़रूर हमसे कांटेक्ट करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट ज़रूर करें। तो फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए दोस्तों आपसे लेते हैं विदा। तो ज़रूर एक बार यहाँ पर MIA के अंदर ज़रूर आएँ।